जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली गई बंपर भर्तियों की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 के वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में। तो देखिये, यहां से आप इजिली चेक कर सकते हैं आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा, ये इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग रहेगा। भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। एंड पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो आपको यहां पर मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेल गार्ड और पोस्टमैन पद के लिए ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपके लिए यहां पर रखी जाएंगी या फिर जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आपके लिए यहां पर रखी गई थी, ये 98,083 पदों पर वैकेंसीज रखी गई थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 98,083 पदों पर एक साथ वैकेंसीज निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसलिए दोस्तों आपको ये जो है इतने बड़े नंबर पर एक साथ वैकेंसीज कभी नहीं देखने को मिलेंगी। आपकी इन वैकेंसीज को जो है डिवाइड किया जाएगा और इन्हीं में से दोस्तों आपके लिए यहां पर वैकेंसीज जो है निकाल दी गई है। आप यहां से चेक कर सकते हैं, आपको यहां पर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए वैकेंसीज देखने को मिली है। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए 1,899 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई है, जिनके लिए ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और आपकी जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी ये जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही में दोस्तों, पूरे भारत से महिला और पुरुष, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, यहां पर आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये 9/10/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। 10 नवंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 9 दिसंबर 2023 आप सभी के लिए यहां पर लास्ट डेट रखी जाएगी। indiapost.gov.in आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट रखी गई है। सो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस भर्ती से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहां पर वैकेंसीज वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, पोस्टल असिस्टेंट पद के लिए जो यहां पर आपको टोटल 598 पदों पर ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगे एंड सैलरी आपको यहां पर लेवल 4 से मिलने वाली है, जो कि 25,500 रुपए से 81,100 रुपए तक काफी अच्छी खासी सैलरी आपके यहां पर बनने वाली है। साथ ही में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुका है, अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कर चुका है, वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में कंप्यूटर नॉलेज आपसे यहां पर मांगा गया है। साथ ही में सॉर्टिंग असिस्टेंट पद के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 143 देखने को मिलेंगे एंड लेवल 4 से आपको यहां पर भी सैलरी दी जाएगी। 25,500 से 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी बनने वाली है एंड बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपसे यहां पर भी मांगा गया है। इसी के साथ में पोस्टमैन पद के लिए आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें टोटल 585 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई है और लेवल 3 से आपको सैलरी दी जाएगी। 21,700 से 69,100 रुपए तक आपकी काफी अच्छी खासी सैलरी बनने वाली है एंड जो भी कैंडिडेट अपना 12वीं क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में कंप्यूटर नॉलेज आपसे यहां पर मांगा गया है। इसी के साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में 2-व्हीलर का लाइसेंस है या फिर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, मेल गार्ड पद के लिए जो है आपको टोटल 3 वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए कम रखा गया है एंड सैलरी आपको 21,700 से 69,100 रुपए तक दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट अपना 12वीं क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में कंप्यूटर नॉलेज आपसे यहां पर भी मांगा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपसे यहां पर मांगा गया है। आपके पास में लाइसेंस होना बेहद जरूरी है और MTS पद के लिए आपको 570 पदों पर ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए रखा गया है एंड लेवल 1 से आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि 18,000 से 56,900 रुपए तक काफी अच्छी खासी सैलरी बनने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट अपना सिर्फ 10वीं क्लास पास कर चुका है, अपना 10th क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो देखिए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और मेल गार्ड पद के लिए 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट यहां पर रखी गई है।
सो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। सो मिनिमम एज आपके लिए 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 25 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट को ₹100 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी फीमेल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में कि किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर देना, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बात करते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट डेट के बारे में, तो देखिए आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये 10 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आप सभी के लिए 9 दिसंबर 2023 रखी गई है। सो 9 दिसंबर 2023 से पहले पहले आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर ले। इंपोर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसमें आपका सिर्फ मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ओनली मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर सर्किल अलॉटमेंट किया जाएगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।